Hey guys, so let's begin with the chapter that is the Great Revolution of 1857. और रिवॉल्ट का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिवॉल्ट का मीनिंग समझते हैं इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टू अदर थिंग्स दैट इज रिवॉल्यूशन एंड मूवमेंट. तो रिवॉल्ट का कहीं ना कहीं टेक्निकल मीनिंग होता है, लेकिन रिवॉल्ट के मीनिंग जानने से पहले हमको रिवॉल्यूशन और दो एक और चीज़ मूवमेंट का मीनिंग समझना होगा. तो रिवॉल्ट इज नथिंग बट ए जनरली अपराइजिंग अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग ऑर्डर और ए स्पार्क विच एस्पायर टू चेंज बाय बाय वायलेंट मीन और वेरी स्ट्रॉन्ग मीन्स, राइट. और रिवॉल्यूशन जो होगा, और रिवॉल्ट का अगर एग्जाम्पल मैं दूँ तो 1857 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द रिवॉल्ट. और रिवॉल्यूशन मीन्स कम्प्लीट चेंज, मतलब ओल्ड ऑर्डर से न्यू ऑर्डर में एक पूरा कम्प्लीट चेंज आना, दैट इज़ नोन एज रिवॉल्यूशन. और रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो इन फ्रेंच इन फ्रांस दैट इन ओल्ड ऑर्डर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द डिवाइन किनशिप ऑफ किंग, मतलब किंग जो बोलता था वही होता था. तो ओल्ड ऑर्डर था, वो ओल्ड ऑर्डर को ख़त्म किया, एंड द न्यू ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल विच इज़ बेस्ड ऑन द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट. सो दिस इज़ नोन एज रिवॉल्यूशन. और मूवमेंट में हम लोग देखेंगे, मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट एक पैरेलल चलता रहता है विच वॉन्ट चेंज इन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, राइट. सो एग्जाम्पल इज़ भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एक एग्जिस्टिंग ऑर्डर में जो चेंज करने के लिए एक पैरेलल चलता रहेगा मूवमेंट, दैट इज़ नोन एज मूवमेंट, तो भक्ति मूवमेंट. तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज़ मूवमेंट, रिवॉल्ट और रिवॉल्यूशन, व्हाट हैपन इन द इंडियन रिवॉल्यूशन, राइट. सो लेट्स कम टू द चैप्टर. तो आज हम चैप्टर में देखेंगे नेचर वो देखेंगे, अंडरलाइंग कॉजेज देखेंगे, इमीजिएट कॉज देखेंगे कि क्या हुआ था एकदम से जो रिवॉल्ट राइज हुआ, कोर्स देखेंगे कैसा क्या चला था, और अल्टीमेटली द रिवॉल्ट बिकम नॉट सक्सेसफुल, राइट. तो कॉजेज ऑफ द फेलियर भी देखेंगे और इफेक्ट देखेंगे कि इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फर्दर डेवलपमेंट पे और फर्दर मूवमेंट में, फर्दर नेशनलिज्म में, फर्दर रिवॉल्यूशन में, रिवॉल्ट में, हमारे इंडियन हिस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ा था उसके ऊपर. तो इफेक्ट बहुत देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके. सो टू बिगेन विथ 1857 का रिवॉल्ट था, सोड द सीड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म विच ले डॉर्मेंट इन द सबकॉन्शियस. तो कहीं ना कहीं लोग बहुत परेशान थे ब्रिटिश की एट्रोसिटीज से, तो 1857 के रिवॉल्ट में वो सब सामने निकल करके आई जो कहीं ना कहीं लोगों में पहले से थी. तो दिस लाइन इज वेरी ब्यूटिफुल टू मैंशन इन योर आंसर्स, राइट. सो नेचर हम लोग देखेंगे, तो नेचर को जानने के लिए अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग कमेंट दिए. एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे सर जॉन लॉरेंस, उन्होंने बोला कि 1857 का रिवॉल्ट वॉज अ प्योरली मिलिट्री आउटब्रेक, राइट, एंड नॉट अ कॉन्स्पिरेसी. तो एक काफ़ी ज़्यादा डिबेट चली रिवॉल्ट ख़त्म होने के बाद, काफ़ी एनालाइज किया, तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, लॉरेंस ने ऐसा बोला, और इट इज़ अ प्योरली मिलिट्री आउटब्रेक. ऑन दी अदर हैंड वीर सावरकर का स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो उन्होंने बोला कि दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि स्वतंत्रता के लिए पहला वॉर माना जाएगा. अनदर टू डिस्टिंग्विश हिस्टोरियन दैट इज़ आरसी मजूमदार और एसएन सेन, इनका स्टेटमेंट जानना भी जरूरी है. तो इन्होंने बोला था, एसएन सेन ने बोला था कि रिवॉल्ट वॉज द पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस, एंड आरसी मजूमदार सेड दैट इट इज़ अ सीरीज ऑफ आइसोलेटेड इंसिडेंट विच अल्टीमेटली सीरीज, ये काम की बात है, एक अलग अलग इवेंट थे वो सब होते गए, और बाय दैट कॉम्बिनेशन एक अल्टीमेटली 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ये आरसी मजूमदार साहब ने बोला था. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स मूव टू द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट. तो कॉजेज हम लोग काफ़ी ज़्यादा डायमेंशन में देखेंगे, एक पॉलिटिकल कॉज देखेंगे, इकोनॉमिक कॉज देखेंगे, सोशल कॉज देखेंगे, एंड मिलिट्री कॉज देखेंगे. तो पॉलिटिकल कॉज के आपको दो रीज़न इसमें देखने को मिलेंगे, एक तो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड डलहौजी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फॉर एग्जाम्पल, किसी राजा के पास प्रॉपर्टी है एक्स एरिया की, और अगर उसका राजा का कोई सन नहीं है या कोई सक्सेसर नहीं है, राइट, तो दिस प्रॉपर्टी विल बी लैप्स टू द ब्रिटिश पैरामाउंट सी अल्टीमेटली. तो ये बहुत ही रूथलेस पॉलिसी थी और इलॉजिकल पॉलिसी थी, अगर किसी राजा का कोई सक्सेसर नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एनेक्स हो जाएगी ब्रिटिश पैरामाउंट सी में. तो जेतपुर, सतारा, झांसी, ये सारे आपके जो थे वो लॉस्ड बाय एनेक्स्ड बाय दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इसी की वजह से रानी की झांसी जो थी काफ़ी डिसकंटेंट उनमें राइज हुआ था. तो दिस वाज दी एक मेन पॉलिटिकल कॉज था. एंड अनदर इज एंटी ब्रिटिश फीलिंग इन द पर्टिकुलर रीजन लाइक बर्मा, आसाम, कुर्ग, सिंध एंड पंजाब. तो नॉर्दर्न रीजन में काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने तबाही मचाई थी अपना एम्पायर एक्सपांड करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा उनको एनेक्स किया था, तो उसकी वजह से कि एक पूरे नॉर्दर्न रीजन में
इंडिया के और नियर बाय रीजन में बॉर्डरिंग एरियाज में प्रेजेंट डे से अगर मैप देखें तो पूरा एक डिसकंटेंट था लोगों में, राइट। नाउ वी विल सी द इकोनॉमिक कॉजेज। तो इकोनॉमिक कॉजेज में ड्रेन ऑफ वेल्थ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी इंडिया में, और उसका कारण ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जानबूझ के हमारे जो हैंडलूम्स थे उनको जानबूझ के रीन किया था बाय इम्पोजिंग द हाई टेरिफ और इंट्रोड्यूसिंग द पॉलिसी विच आर इन द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स मेनली। तो जानबूझ के हमारे जो लोकल आर्टिसन थे वो दे आर फोर्स्ड टू बाय दैट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, और जानबूझ के हम अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे थे। तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी अपने फ़ायदे के लिए, और दिस इज़ नोन एज कैपिटलिज्म, राइट। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट इज नोन एज कैपिटलिज्म। तो कैसे भी करके ब्रिटिश अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द वेरी मतलब सब कुछ तबाही मचा के इंडिया में, और लोगों की हालत ख़राब करके भी अपना प्रॉफिट चाहते थे। तो इसकी वजह से इन्होंने पूरे इंडिया की हालत ख़राब कर दी थी। और उसके बाद एक लाइन बोली जाती है कि इंग्लैंड का जो हैंडलूम था वो मेनली डिसरप्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और मशीन्स की वजह से, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। इंडिया का हैंडलूम और आर्टिशन और कल्चर सब ख़राब करने के लिए कोई इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की है कोई इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो एक इकोनॉमिक कॉज बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और दूसरा था कि एक न्यू प्लांटेशन इन्होंने प्लांटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिससे जानबूझ करके ये लोग ऐसी कैश क्रॉप को ग्रो करते थे जिससे उनको अल्टीमेटली फ़ायदा होता था, और जानबूझ के पीजेंट जो होते थे हमारे पीजेंट्स उनको एक्सप्लॉइट कर करके दे आर फोर्स्ड टू ग्रो लैंड विदाउट मतलब उनको कंपन को कुछ अच्छा फ़ायदा मिलता नहीं था, और जानबूझ के उनको मार करके और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके कैश क्रॉप को उगाया जाता था, कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो जिसकी इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा और यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, राइट। नाउ वी विल सी दी सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को काफ़ी ज़्यादा अलाउ करके रखा था बाई दी एक्ट ऑफ 1813, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज को काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस करके रखा था बाय द एक्ट ऑफ द 1813, और उससे क्या हुआ था कि वो लोग आकर के यहाँ पे अपने रिलीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रहे थे, और उनके काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे थे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन की भी एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो अल्टीमेटली एक ओरिएंटल लर्निंग और ओरिएंटलिज्म जो था वर्नाकुलर लैंग्वेज का, और जो भी कुछ चीज़ें वो हमारा लोकल लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते थे उसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हर्ट किया। तो इससे भी लोगों के अंदर एक डिसकनेक्शन और डिसकंटेंट अराइज हो गया था, और लोगों में एक सोशल आइडेंटिटी को लूज़ करने के लिए भी एक अवेयरनेस जाग गई थी, राइट। तो ये सोशल कॉज भी कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो एक ये वैल्यू एडिशन आप लोग याद रखना, बुक में मेंशन नहीं है कि क्रिश्चियन मिशनरीज आर अलाउड बाय द एक्ट ऑफ 1813, राइट। नाउ मिलिट्री कॉजेज में हम लोग देखते हैं, तो मिलिट्री कॉजेज में भी अगेन अब आप लोग जैसा अलग अलग हिस्टोरियन ने बोला कि सीरीज ऑफ इवेंट्स था जो अल्टीमेटली रिवॉल्ट में राइज किया। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे से डिसकंटेंट पहले से ही हमारे जो इंडियन सिपाहीज उनमें एम्प्लॉयड थे और मिलिट्री पर्सनल थे उनमें काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट था बिकॉज ऑफ दी लो सैलरी एंड पुअर प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन फॉर द इंडियंस। तो इससे कहीं ना कहीं बुरा लगेगा ही उनमें, और कहीं ना कहीं डिसकंटेंट मन में हमेशा से था ही, वो कभी फेथफुल नहीं हो पाए थे ब्रिटिशर्स के लिए। और दूसरा रीज़न था एक वेलोर म्यूटिनी हुई थी इन 1806। तो 1857 अल्टीमेटली कैन नॉट बी सेड दैट कि फर्स्ट रिवॉल्ट हो सकता है ये, क्योंकि वेलोर म्यूटिनी भी हुई थी साउथ में, और वेलोर म्यूटिनी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो वेलोर म्यूटिनी की वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों में मोटिवेशंस था। और ब्रिटिशर्स ने और एक और चीज़ इंडियंस के लिए क्या करी थी कि एबॉलिश कर दिया था फॉरेन अलायंस और वट्टा, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स ने अलग अलग कंट्रीज़ में रूल करके रखा था तो जब वो इंडियंस सोल्जर्स को एम्प्लॉय करते थे फॉरेन कंट्रीज़ में फॉर द बैटल, तो उनको कोई एडिशनल अलायंस नहीं मिलता था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट था, इतनी मेहनत करने के बाद भी इनके पास पैसा नहीं आ रहा था, राइट। सो नाउ वी विल बिगेन द रिवोल्ट। नाउ द बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्ट हम लोग देखेंगे, तो जो स्पार्क मिली थी, जो इमीजिएट कॉज बोला जाता है, वो इमीजिएट कॉज वॉज था इनफील्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द रॉयल इनफील्ड। ये मूवीज़ में भी आपने दिखाया होगा, मंगल पांडे तो आपने देखा होगा। इसमें यह है कि इन्होंने एक इनफील्ड्स मतलब कि जो
बंदूक के अंदर हम लोग जो गोली डालते हैं दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ कंपोज्ड ऑफ द फैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बीफ एंड द पिग। और ये पुराने टाइम की बंदूक होती थी तो उसको मुंह से फाड़ना पड़ता होता था। एक ऐसा बैग होता था एक छोटा सा जिसमें बारूद गन पाउडर भरा होता था, देन उसको बंदूक में डालते थे और फर्दर फायर फायर करते थे, तो उसको मुंह से फाड़ना होता था। तो ये खबर फैल गई और लोगों में एक हिंदू मुस्लिम में दोनों में डिसकंटेंट अराइज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन, क्योंकि दोनों के रिलीजन में प्रोहिबिट है, राइट। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम रिलीजन में पिग इज़ प्रोहिबिटेड एंड हिंदू रिलीजन में बीफ एंड पिग बोथ आर प्रोहिबिटेड, तो ब्राह्मण्स लोगों में काफ़ी ज़्यादा उससे डिसकंटेंट अराइज हो गया। तो इससे मोटिवेशन लेकर के मंगल पांडे में काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट था, तो उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर रिवॉल्ट स्टार्ट किया और रिफ्यूज़ किया ग्रीस कार्टेज को यूज़ करना और अपने ऑफिसर्स को किल कर दिया। तो इससे एक सीरीज ऑफ इवेंट्स से चेन रिएक्शन अगेन चालू हो गई, और एक चेन रिएक्शन चालू होते से ही जो पर्सनल थे थर्ड कैवलरी के उन्होंने रिफ्यूज़ किया और काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट अराइज किया और लॉन्ग टर्म इम्प्रिजन फॉर रिफ्यूजिंग, और पूरा एक रिवोल्ट राइज हो गया और रिलीज देयर फेलो स्पेस एंड मूड और दिल्ली की तरफ बढ़ गए सबको इकट्ठा करके सारे जो पर्सनल थे, और जनरल हैविट करके जो ऑफिसर्स थे मेरठ के वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस हो गए और आर्मी को रोक नहीं पाए। और अगली सुबह जब ये दिल्ली पहुंची, पूरी जो बटालियन थी आर्मी थी वो वहाँ पे पहुंची, जो पर्सनल थे सिपाहीज थे वो वहाँ पे पहुंचे दिल्ली में, और लेफ्टिनेंट जो था विल्स भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द दिल्ली कुड नॉट, उनको भी नहीं रोक पाए। और जो फिर जो सिपाहीज थे उन्होंने बहादुर शाह को अपना जनरल मतलब कि नॉमिन अपना जो किंग था वो नॉमिनेट किया, और बहादुर शाह आप देख सकते हैं बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर, और उसको एक अपना किंग प्रोक्लेम किया रिवोल्ट को फर्दर चलाने के लिए। फिर तो क्या था, फिर अलग अलग जगह पे रिवोल्ट राइज किया, फॉर एग्जांपल बिहार झांसी कानपुर बनारस, और सीरीज ऑफ इवेंट फिर चलते ही चले गए। देखते हैं हम लोग एक एक करके अलग अलग जगह पे कौन कौन था। तो दिल्ली के अंदर देखें तो दिल्ली के अंदर जनरल बख्त खान लीडरशिप वॉज दिल्ली वॉज नॉमिनली इन द हैंड ऑफ बहादुर शाह बट अल्टीमेट कंट्रोल वॉज इन द जनरल बख्त खान। तो निकल्सन और विल्सन बेड स्मिथ एंड नेविल चेम्बरलेन वॉज दी ऑफिसर्स फ्रॉम द ब्रिटिश साइड, और उन्होंने फर्दर दिल्ली को मतलब दिल्ली जो कैप्चर हो चुका था उसको 1857 को रिवॉल्ट को दिल्ली में फाइनली सप्रेस किया। तो दिल्ली में तो सक्सेस नहीं हो पाया था। फिर आगे बढ़ते हैं कानपुर में, कानपुर में क्या स्थिति थी, कानपुर में जो मोर्चा संभाल रहे थे नाना साहब थे, कानपुर में जो थे नाना साहब थे, और नाना साहब एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव मराठा रूलर जो थे हमारे उनके थे, और नाना साहब एक्सपेल्ड द इंग्लिश फ्रॉम कानपुर विद द हेल्प ऑफ सिपाही एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ द पेशवा, राइट। और नाना साहब इन हिज एफर्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज हेवली सपोर्टेड बाय टू ऑफ हिज लेफ्टिनेंट, वन वॉज टाटिया टोपे एंड अनादर वॉज अजीमुल्ला, राइट। तो ये आप यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंस में आप आंसर भी कोट सकते हो हिंदी मुस्लिम यूनिटी का कि अजीमुल्ला इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। तो एक हिंदू मुस्लिम पे जो हमेशा डिबेट चलती रहती है, तो वो हमारे इंडिपेंडेंस में कोई एक हिंदू का ही कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, ना कोई मुस्लिम का ही कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, और ना तो पार्टीशन में मुस्लिम का कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो एक कहीं ना कहीं आप फ्रेटर्निटी और कॉमराडरी शो करने के लिए एक एग्जाम्पल दे सकते हो। और यहाँ पे जो ब्रिटिश साइड से जो कमांडिंग ऑफिसर थे दैट इज़ ह्यूज व्हीलर, और ह्यूज व्हीलर फाइनली गैरिसन कमांडर ऑफ द ब्रिटिश गैरिसन इन कानपुर सरेंडर्ड, और कानपुर में हम लोग एज पे चल रहे थे जो रिवोल्ट था वो सक्सेसफुल था अनलाइक दिल्ली, बट सून कानपुर वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड बाई दी अनादर ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कॉलिन कैंपबेल, और कॉलिन कैंपबेल का आपको नाम याद रखना है इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नाना साहेब ने पहले कोशिश करी लेकिन सक्सेस भी हुए, वो डिफीट किया ह्यूज व्हीलर को, लेकिन अगेन कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड बाय कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में देखते हैं, लखनऊ में आपको वुमेन का रोल देखने को मिलेगा दैट इज़ बेगम ऑफ ओथ, और ही शी वॉज द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्ट इन लखनऊ। और यहाँ पे जो ब्रिटिश की तरफ से ऑफिसर थे दैट इज़ हेनरी लॉरेंस द चीफ कमिश्नर ट्राई टू डिफेंड द ब्रिटिश लॉरेंस वॉज बट लॉरेंस वॉज किल्ड, राइट। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक वुमेन होने के बाद भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को डिफीट किया और फाइनली किल भी किया। बट द फाइनल रिलीफ फॉर द ब्रिटिश फोर्सेज लखनऊ इन दी कॉलिन कैंपबेल जो कानपुर में थे वो अगेन उसने आकर के लखनऊ में भी डिफीट किया रिवोल्ट को, और फाइनली ब्रिटिश इज़ अगेन ऑन दी एज।
नाउ झांसी पे देखते हैं, तो झांसी पे रानी लक्ष्मीबाई, मैंने जैसा आपको बताया था कि शी वॉज इन डिसकंटेंट बाई दी पॉलिसी ऑफ डलहौसी और सारी प्रॉपर्टी चली गई थी, तो जो टाटे टोपे थे उन्होंने फर्दर मूवमेंट रिवॉल्ट को आगे बढ़ाते हुए झांसी की रानी के साथ समझौता किया और ग्वालियर को कैप्चर करने के लिए रोका। लेकिन ह्यूज रोज जो थे ब्रिटिश की तरफ से जो ऑफिसर थे, उन्होंने रानी झांसी को डिफीट किया और टाटियाबाई को कैप्चर किया। टाटिया टोपे वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड ऑन द चार्ज ऑफ रिबेलियन एंड मर्डर इन द मास्केर ऑफ कानपुर। तो कानपुर में जो टाटिया टोपे ने क्रांति दिखाई थी उसके चार्जेस में उनको छोड़ना पड़ा सब कुछ, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब बात थी। और बिहार में देख लेते हम लोग, तो बिहार में जो रिवॉल्ट चल रहा था वो कुंवर सिंह के नेतृत्व में चल रहा था, और एंड जमींदार ऑफ द जगदीशपुर एंड निरोध वॉज चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ द बिहार, राइट। अल्टीमेटली जो 1857 का रिवॉल्ट था केम टू एन एंड विद द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश वॉइसराय कैनिंग प्रोक्लेम्ड पीस थ्रू आउट द इंडिया। तो जो सीरीज़ ऑफ इवेंट अलग अलग जगह पे हुए थे, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी, वो सारे इवेंट धीरे धीरे रोक दिए गए और अल्टीमेटली जो पूरा रिवॉल्ट था दैट विल अल्टीमेटली बिकम अनसक्सेसफुल। तो हम लोग कॉजेज़ को एनालाइज करते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ थे, तो कॉजेज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो पहले ही कॉज देख लेते हैं, तो पहला कॉज ये था कि रिवॉल्ट इज़ फेल्ड टू एम्ब्रेस द होल ऑफ द इंडिया, राइट। तो ये काफ़ी ख़राब बात थी हमारे लिए। और सोसाइटी में कुछ सेक्शन थे, एग्जाम्पल मनी लेंडर, मर्चेंट्स एंड मॉडर्न एजुकेशन इंडियंस, उन्होंने कभी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इंटेलेक्चुअल जो क्लास थी हमारी, जो कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस काफ़ी उभर उभर के आई और एक से एक इंटेलिजेंट पर्सन आए, फॉर एग्जाम्पल सुभाष बोस और दादा भाई नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इसमें कुछ कोई भी इंटेलेक्चुअल ने सपोर्ट नहीं किया, मनी लेंडर ने सपोर्ट नहीं किया, और बहुत ही ज़्यादा पार्शियल वे में ये चला था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई इसकी वजह से। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये सारे कारण बने आगे चल के, और हम लोग देखते हैं इसके रीज़न। और रीज़न जो थे कि ब्रिटिशर्स के पास ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे रिसोर्सेज थे जो कि इंडियंस के पास बिल्कुल भी नहीं थे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत आई हमारे पास। और ब्रिटिश के पास सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इन्वेंशन थे लाइक पोस्टल कम्युनिकेशन और ब्रिटिश लूप। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कानपुर में जैसे कोलिन कैंपबेल जो थे उन्होंने डिफीट किया फाइनली, और फर्दर उन्होंने लखनऊ में भी डिफीट किया। तो ये जो साइंटिफिक इन्वेंशन थे टेली कम्युनिकेशन, इसकी वजह से कम्युनिकेशन में जो वो पैसेज था कम्युनिकेशन का वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया, और उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। तो जैसे जैसे रिवॉल्ट आगे बढ़ता गया तो ब्रिटिशर्स के पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच जा रही थी, तो उनको सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिला। नाउ फाइनली वी विल सी द सिग्निफिकेंस, देखते हैं हम लोग, तो सिग्निफिकेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे इवेंट का, और ये इससे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि पूरा इवेंट क्या चला था। तो जो 1857 का रिवॉल्ट था ब्रॉट टुगेदर द डिसग्रंटल्ड सेक्शन, जो पूरा एक क्रोधित सेक्शन था सोसाइटी में, वो सब साथ में आया इसकी वजह से। और कॉमन पीपल सबसे पहली बार बाहर निकल करके आया, अपने जो भी उनके पास हथियार थे लाठी बो एक्सेस, इन सब के सामने आपको पहली बार देखने को मिलेगा। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी जैसा मैंने आपको अजीमुल्ला के टाइम पे बताया था, वो आपको यहाँ पे इस इवेंट के बाद से देखने को मिली। तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैंशन इन एनी आंसर, राइट, वाइल एनालाइजिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंज जो इसने लाया है वो इट ब्रॉट अबाउट द फंडामेंटल चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन बाय द क्यून प्रोक्लेमेशन। मतलब कि अभी तक जो पॉलिटिकल पावर थी वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल कर रही थी, लेकिन आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ 1857 दिस वॉज ट्रांसफर्ड टू क्वींस। क्वीन के पास सारी पावर चली गई थी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने की आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज था, और इसके प्रोक्लेमेशन के साथ ही एक्ट ऑफ 1858 आया था, राइट। तो ये था वाइसराय अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ, और जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल बिकम वाइसराय। तो अगर वैल्यू एडिशन हम लोग मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा, तो एक्ट ऑफ 1773, एक्ट ऑफ 1833 एंड एक्ट ऑफ 1858, तो यहाँ पे गवर्नर बनता है बाय दिस एक्ट, यहाँ पे गवर्नर बनता है।
और यहाँ पे 1833 के गवर्नर बिकम गवर्नर जनरल, राइट, मतलब गवर्नर जनरल मतलब उसके पास मिलिट्री पावर भी आ जाती है, यहाँ पे गवर्नर उसके पास एडमिन पावर रहती है फॉर दी कंपनी के लिए, यहाँ पे गवर्नर जनरल बनता है बाय द एक्ट ऑफ 1833 एंड फाइनली गवर्नर जनरल विल बिकम वॉइस रॉय बाय द एक्ट ऑफ 1858, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा माइक्रो कॉन्सेप्ट है या माइक्रो फैक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल आ जाते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद फाइनली लॉर्ड कैनिंग प्रोक्लेम द न्यू गवर्नमेंट एट अलाहाबाद, और इसी को मैग्ना कार्टा बोला गया ऑफ द इंडियन पीपल, एंड इट डिस्क्लेम एनी एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी, प्रॉमिस रिलीजियस टॉलरेशन। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें करी गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सब पेपर्स पे था। इंडियन प्रिंसेस एंड प्लेस्ड इक्वल ट्रीटमेंट टू हर सब्जेक्ट एंड इंडियन यूरोपियन, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक बातें बोली गई सारी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं कि 1857 इज़ अ ग्रेट डिवाइड बिटवीन द टू लैंडमार्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वन इज़, अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं, तो 1857 इज़ कंसिडर एज अ ग्रेट डिवाइड इन द इंडियन हिस्ट्री। तो 1857 के पहले जो पूरा इरा था वो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का आप लोग देख सकते हैं, जो हमने हिस्ट्री ट्रेस करी। तो 1857 का पूरा जो इरा था पहले का, वो दैट इज़ बिलोंग टू द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। और 1857 के बाद से आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म, राइट। तो नेशनलिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो 1857 का जो रिवॉल्ट था, इस एस्पेक्ट में भी आप लोग समझ सकते हो कि इसने इट एक्ट एज अ ग्रेट डिवाइड बिटवीन द होल हिस्ट्री विच सेज दैट 1857 के पहले का टाइम बिलोंग टू ब्रिटिश पैरामाउंटेसी और आफ्टर दैट नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो 1857 के बाद आप जब हिस्ट्री ट्रेस करोगे तो आपको धीरे धीरे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का ट्रेंड पूरा समझ में आएगा, राइट। सो दैट वॉज विद द चैप्टर गाइज, थैंक यू।